हाथों में हथकड़ी के साथ सफेद कार से उतरता ये शख्स है सेंडो उर्फ सागर जैन, जिस पर आरोप है कि वो इंदौर शहर का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल चलाता है। इस पर आरोप है कि ये बांग्लादेश से अगवा कर इंदौर लाई गई लड़कियों को नशे के लिए एमडी ड्रग्स उपलब्ध करवाता था। मगर अब सबसे बड़ा सेक्स रैकेट का कुख्यात सरगना सेंडो अब अपनी गर्लफ्रेंड के घर से पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। आपको बता दें कि जब पुलिस ने कुछ बांग्लादेशी लड़कियों को रिहा करवाया था तो उन्होंने इस बदमाश का नाम लिया था, मगर पुलिस इससे पहले इसे पकड़ती ये वहां से भाग निकला। मगर दिवाली से पहले इसने अपनी लोकेशन बदली और दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ रहने आ गया। वहीं से पुलिस ने तकनीक का उपयोग कर उसे पकड़ा है। गौरतलब है कि पुलिस को इसकी बांग्लादेशी लड़कियों के अपहरण और मानव तस्करी के मामलों में तलाश थी। इस शातिर ने पुलिस से बचने की कोशिश तो बहुत की, मगर पुलिस एक बार जिसके पीछे लग जाए उसका पीछा कहां छोड़ती है। ऐसा ही इसके साथ हुआ। पुलिस ने नई तकनीकों और सूत्रों पर काम करना शुरू कर दिया क्योंकि आरोपी ने अपने मोबाइल बंद कर दिए थे, इसलिए उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिर पुलिस को एक लिंक मिला जिससे आरोपी सेंडो की लोकेशन ट्रेस हो पाई। पुलिस को पता चला कि वो दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड के घर छुपा हुआ है, मगर वो घर से बाहर निकलता नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड ही उसे रोजाना बाहर की जानकारी देती है, बाजार भी गर्लफ्रेंड ही जाती है। इतना ही नहीं, ये शातिर पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल छुपा चुका था और एक नए नंबर से कभी कभार सिर्फ व्हाट्सएप पर कॉलिंग करता था। मगर नई तकनीकों को आधार बनाकर पुलिस आरोपी के फ्लैट के सामने दस्तक देती है और फिर अचानक टीम उस फ्लैट पर पहुंची जहां सेंडो ठहरा हुआ था। वहां दबिश देकर सेंडो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और सीधा इंदौर ले आई। पुलिस ने पिछले दिनों ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की है और अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े हुए अनेक गिरोह, चाहे वो आर्म्स से ऑर्गेनाइज्ड आर्म्स के बेचने और खरीदने से जुड़ा हो, उनके बनाने से जुड़ा हो, अवैध शराब के परिवहन और विक्रय से जुड़ा हो, या किसी भी तरह के अन्य ऑर्गेनाइज क्राइम चाहे ड्रग्स वगैरह से जुड़ा हो, सभी मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की। इसी में एक देह व्यापार से जुड़े एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ था जिसमें कुछ बांग्लादेश की भी कुछ लड़कियों के जुड़े होने की खबर थी और उसमें यहाँ के लोकल स्थानीय तौर पे भी कुछ ऐसे एजेंट और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरे गिरोह का हिस्सा थे। उस पूरे मामले में पुलिस ने यहाँ के लगभग 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें बड़ी संख्या में जो एजेंट हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए, जो इस गैंग से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया। उसी का एक प्रमुख जो मास्टर माइंड था वह अभी तक फरार था, उसे पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा है। उसके गैंग से जुड़े कुछ अन्य साथियों की भी जानकारी ली है, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। सर, और कितने आरोपी हैं इसमें, पूछताछ में क्या बताया अभी तक? इसमें इस गैंग से जुड़े जो जितने संचालित करने वाले गैंग से जुड़े जितने लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य लोग जो दूसरे शहरों में संचालित कर रहे हैं या इस तरह के अवैध नेटवर्क के हिस्से हैं, पुलिस ने उनको भी चिन्हित किया है और उन पर भी कार्रवाई करेगी। सर, किस तरह की ड्रग्स देता था ये लड़कियों को लाके बांग्लादेश? इसका कई तरह के जो ड्रग्स हैं उन ड्रग्स में भी लाने में, उनको कई जगह उनके विक्रय करने में और कई बार ज़बरदस्ती खिलाने में भी इसका कई जगह इसमें इसका रोल आया है, इसकी भूमिका चिन्हित की गई है। उन सारे कारणों से इस पे कार्रवाई की जा रही है। इसमें अलग अलग एक्ट में कार्रवाई की गई है। ये पिछले कई वर्षों से सक्रिय है। पूर्व में भी 2017 में इस पे बड़ी कार्रवाई की गई थी जिसमें ये 18 महीने लगभग जेल में रहा था। अभी छूटने के बाद जैसे ही इसकी गतिविधि आई फिर पकड़ लिया गया है, पुनः इस पे सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस छात्र ने पुलिस के सामने कबूला है कि वो बांग्लादेशी लड़कियों के स्कैंडल को चलाने के लिए उन्हें नशा सप्लाई करता था। वो धीरे धीरे उन्हें एमडी ड्रग्स भेजता था ताकि वो लत में रहें और फिर स्कैंडल से बाहर नहीं आए। उन्हें आदि बनाने के लिए ये जहरीला नशा दिया जाता था। इस छात्र ने यह भी कबूला है कि वो मुंबई से ही एमडी ड्रग्स लेता था। शुरुआत में लड़कियों को मुफ्त में नशा देता है लेकिन बाद में इसकी कीमत वसूली जाती है। इसने कबूला है कि इसके संपर्क में अभी भी 20 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।